Hello friends, once again welcome back to Self Care Online. I hope you all are doing well. अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो hi, this is Akanksha. Thank you so much for visiting us and welcome to our Self Care Online YouTube family. तो आज का हमारा टॉपिक है नीम. नीम को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये गिफ्ट है जो हमको नेचर से मिला है. और नीम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये हर घर के आसपास मिल जाती है और ये हम सब के लिए फ्री में अवेलेबल है. नीम के अंदर भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, नीम ऑयल बहुत बेनिफिशियल होता है. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम घर पर ही नीम का तेल कैसे बना सकते हैं. आपको बहुत ज़्यादा कुछ यू नो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए. दो इंग्रेडिएंट्स के साथ हम आसानी से घर पर ही नीम ऑयल प्रिपेयर कर सकते हैं. नीम की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ के लिए होते हैं, हमारी स्किन के लिए होते हैं, हमारे हेयर्स के लिए भी नीम बहुत अच्छी होती है. नीम ऑयल बनाने के सबसे तीन प्रोसेस होते हैं. सबसे पहला प्रोसेस होता है कोल्ड कंप्रेशन. कोल्ड कंप्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम कोकोनट ऑयल आप ले सकते हो, उसके अंदर आप कुछ पत्तियां नीम की डाल के 2-3 हफ्ते तक उसको छोड़ दीजिए. उससे क्या होता है, नीम की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो उस ऑयल में आ जाती हैं. लेकिन आप ये जो इन्फ्यूज़न बनाते हो इसमें नीम की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो बहुत कम क्वान्टिटी में आपको नीम की क्वालिटीज़ उस ऑयल में देखने को मिलेगी. दूसरा तरीका जो नीम को यूज़ करने का होता है वो होता है नीम वाटर एक्सट्रैक्ट. नीम वाटर एक्सट्रैक्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं कि आपको पानी लेना है, उसमें आप कुछ पत्तियां नीम की डाल के आप उसको अच्छे से बॉईल कर लो. जब उस पानी में अच्छे से उबाली आ जाती है और पानी का रंग जो है वो हरा हो जाता है, दैट मीन्स उसमें नीम का अच्छे से इन्फ्यूजन हो गया है. उसको ठंडा होने के बाद आप उस पानी को यूज़ कर सकते हो. और हमारा प्रोसेस जो नीम को यूज़ करने का है वो है नीम ऑयल हॉट इन्फ्यूजन. इसमें हम बॉइलिंग की हेल्प से नीम का ऑयल बनाते हैं. तो आज हम इस वीडियो में थर्ड प्रोसेस की बात करेंगे, दैट इज नीम ऑयल हॉट इन्फ्यूजन, कि कैसे हम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से घर पर ही एक अच्छा नीम का ऑयल प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे कि इस नीम तेल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नीम ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह से नीम की पत्तियों को ले रही हूँ और मैं अच्छे से उनको धो के मैं तोड़ लूँगी. तो मैं यहाँ पे सारी पत्तियों को अच्छे से धीरे धीरे तोड़ लेती हूँ. नीम की पत्तियों को मैंने तोड़ लिया है. अब प्रॉपर मेजरमेंट लेने के लिए मैंने एक कप में इन नीम की पत्तियों को डाल रही हूँ. तो इस तरह से मैंने एक कप नीम की पत्तियों को ले लिया है. अभी एक मिक्सर ग्राइंडर में मैं इसको डाल लूँगी और फिर हमको इसको सूखा पीस लेना है. तो इस तरह से मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया और अब मैं इसको पीस लेती हूँ. तो ये मैंने इसको पीस लिया है. आप देख रहे हो कि मैंने इसको सूखा ही पीसा है, तो ये हल्का हल्का सा हमारा पिस गया है. अब हमको लेना है कोकोनट ऑयल. तो मैं यहाँ डाबर का अनमोल कोकोनट ऑयल ले रही हूँ. ध्यान रखिए कि अगर आपने एक कप, जैसे नीम हमने ली है, एक ही कप हमको कोकोनट ऑयल लेना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में पूरा एक कप कोकोनट ऑयल ले रही हूँ. तो ये मैंने एक कप कोकोनट ऑयल ले लिया. अब जो हमने एक मिक्सचर बनाया था नीम का, उसमें वापस से ये कोकोनट ऑयल हमें डालना है और एक बार इसको वापस से हमको जल्दी से ग्राइंड कर लेना है. तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, कितना सुंदर इसका रंग आया है, एकदम डार्क ग्रीन कलर का, बहुत ही प्यारा लग रहा है. अब हमको इसको बॉइल करना है. तो देखिए मैंने इसको एक तरह से कंटेनर में डाल लिया है. अभी इसको ध्यान रखिए, जब आप इसको यू नो बॉईल करेंगे तो बहुत ही हल्की आंच पे आपको करना है. बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम या फिर हाई फ्लेम में इसको बॉईल मत कीजिएगा. बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है आपको, जस्ट इसमें एक दो उबाली आ जाए. जब एक दो उबाली आ जाएगी तो आप इसको बंद कर दीजिएगा. बहुत ही प्यारा रंग आया है ये नीम ऑयल जो है, बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा.
तो देखिए ये हो गया था मेरा बॉईल, इस तरह से ये कुछ दिख रहा है। अब हमको इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए हमारा नीम का ऑयल ठंडा हो चुका है। अब हमको एक चलनी की मदद से इसको छान लेना है। जिस कंटेनर में आप इसको स्टोर करेंगे, कोशिश करिए वो ग्लास का कंटेनर हो, नहीं मिलता है तो आप प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास की छोटी सी बॉटल में इस पूरे ऑयल को मैं अच्छे से छान लेती हूँ। बहुत ही प्यारा रंग आया है हमारा नीम के ऑयल का। तो ये देखिए हमारा नीम ऑयल रेडी है। देखिए करने के बाद आपका जो ब्लास्ट में ये रेसिड्यू बचेगा जो नीम और कोकोनट ऑयल का है, इसको आपको फेंकना नहीं है, ये वेस्ट नहीं है। आप इसको भी स्टोर करके रख लीजिए। आप अगर कोई भी फेस पैक बना रहे हो, स्क्रब बना रहे हो या कोई उपटन बना रहे हो तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी स्किन एलर्जी है उसमें। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम घर पर ही नीम का तेल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कि अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कुछ कॉमन बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारे हेयर्स के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से नीम का तेल घर पे बना के रख लीजिए। इसको अगर आप 2 से 3 बारी लगाओगे ना तो आपका डैंड्रफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। एंड मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये ट्राई किया है और मेरा सच में डैंड्रफ ख़त्म हुआ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक बार ट्राई कर सकते हो। सेकेंड, मैं अगर आपको बहुत ज़्यादा बालों के अंदर लाइस होके रखी तो उनको ट्रीट करने के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम है सर में, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं आपके बाल, तो भी आपको नीम ऑयल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नीम के तेल के साथ हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया है, जो कोकोनट ऑयल के अंदर भी एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साथ ही कोकोनट ऑयल जो है वो आपके हेयर्स को मॉइस्चर देगा, उनको स्मूथ करेगा। तो हाँ, अगर आपके ड्राई स्कैल्प है, इचिंग है आपके सर में बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्कैल्प इन्फेक्शन है तो भी उसमें नीम ऑयल जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। अब हम स्किन की बात कर लेते हैं। अगर आपको एक्नी की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हो। आप नॉर्मली समर सीजन्स में देखते होंगे कि जब भी हम धूप से वापस आते हैं तो हमारे यहाँ पे फेस के यहाँ पर रैशेस से हो जाते हैं। हमारा फेस जो है वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, आउटर सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो हमें पल्यूशन के कारण जो हमारे पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें डेड स्किन सेल जमा हो जाती है, तो हमारे पोर्स जो है वो ब्लॉक होने लगते हैं। उसमें भी आप अच्छे से अपना फेस क्लीन कर लीजिए। नीम ऑयल जो हमने बनाया है इसको आप अपने फेस पे अप्लाई करो, 1-1.5 घंटे के बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, या फिर आप इसको रात को लगा के छोड़ दीजिए, सुबह अपना फेस वॉश कर लीजिए, तो भी आप देखोगे कि बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। थर्ड, अगर हम बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन है आपको किसी भी तरह का, उसके अंदर भी नीम ऑयल जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। तो नीम ऑयल की अगर हम देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप इसको आराम से अपने घर में बना के रख लीजिए, इसमें ख़राब होने जैसा कुछ नहीं है, आप महीनों इसको बना के रख सकते हो, बहुत ही आसान है इसको बनाना। अगर आप इसको रेडीमेड ख़रीदना चाहते हैं तो कामा आयुर्वेदा का नीम ऑयल बहुत अच्छा है, वो आप ले सकते हो, या फिर बहुत सारी लोकल ब्रांड्स हैं जो इस तरह से नीम ऑयल प्रिपेयर करती हैं, आप चाहो तो उसको ले सकते हो। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ जाके आप उसके रेट चेक कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी देख सकते हो। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, आप घर में ही अगर इतनी आसानी से नीम का तेल बना सकते हैं तो बाहर से ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। उसमें आपको केमिकल्स तो रहेंगे उसके अंदर, ये जो आप घर में बना रहे हो ये केमिकल फ्री है, कोई इन्फ्यूजन नहीं है इसमें वैसा। तो या ट्राई टू मेक इट एट होम इंस्टेड ऑफ परचेजिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक दिस वीडियो। एंड यस, अगर किसी को चाहिए हो, किसी को सीखना है ये नीम ऑयल कैसे हम बना सकते हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें। Thank you for watching Self Care Online. Have a nice day.